हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इस वीडियो का बैकग्राउंड कलर है जो यहाँ पर चेंज हुआ है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप इंस्टाग्राम रील्स के लिए किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड कलर को चेंज कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इस तरह से बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए आपको एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है VN ऐप। तो VN ऐप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके VN ऐप को डाउनलोड कर लेना है। बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फिल्टर की लिंक मिल जाएगी। आपको उस फिल्टर पर क्लिक करके उस फिल्टर को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से फिल्टर डाउनलोड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। गाइस, आपको इस तरह से फिल्टरों को डाउनलोड कर लेना है। तीन फिल्टर को आपको डाउनलोड करना है। तो गाइस, आपको इस तरह से फिल्टर पर क्लिक करना है। आपको गाइस यहां पर तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, इंपोर्ट टू VN, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपका ये जो फिल्टर है VN ऐप में ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा फिल्टर ऐड हो चुका है। इस तरह से गाइस आपको तीनों फिल्टरों को VN ऐप में ऐड कर लेना है। तो इस तरह से हम गाइस VN ऐप में फिल्टरों को ऐड कर लेते हैं। इस तरह से आपको कर लेना है। अब गाइस आपको VN ऐप को ओपन करना है। VN ऐप ओपन करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू प्रोजेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपकी यहां से मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहां पर गाइस आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है ऑल वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल के फोल्डर ओपन हो जाएंगे। तो आपके जैसे फोल्डर में वीडियो सेव है, आपको उस वीडियो को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से गाइस हम इस वीडियो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस हम इस वीडियो के बैकग्राउंड कलर को आपको चेंज कर दिखाएंगे। तो आपको एरो वाला ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस आपको सबसे पहले एंड में जाना है इस तरह से। यहाँ पर गाइस आपको एक एक्स्ट्रा ब्लैक बैकग्राउंड मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको इसको डिलीट करना है। अब आपको फर्स्ट पोजिशन पर आ जाना है। गाइस आपको वीडियो की लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा फिल्टर वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस हमने जो फिल्टर यहां पर डाउनलोड किए थे वो हमारे सामने आ चुके हैं। तो इस तरह से गाइस आप क्लिक करके आप देख सकते हैं गाइस हमारी वीडियो का बैकग्राउंड है जो वो चेंज हो चुका है। तो गाइस आप इस तरह से इसमें फिल्टर लगाकर किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से गाइस आप इसको अच्छे से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। इस तरह से गाइस आप किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कलर देखने को मिल जाते हैं। तो इस वाले बैकग्राउंड कलर को यहाँ पर हम सेव कर लेंगे। यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है राइट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। गाइस आप देख सकते हैं हमारे वीडियो का बैकग्राउंड है जो कितने अमेजिंग तरह से यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है। तो गाइस यहां पर आपको इस वीडियो को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है राइट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आपकी ये वीडियो डाउनलोड होने लगी। तो गाइस आप इसी तरह से किसी भी वीडियो के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।